दोस्तों, आखिर YouTube का ये कौन सा कारण है चैनल डिलीट करने का और इसके पीछे की क्या बात है? उसके बाद आपको आपका चैनल कभी भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, YouTube की तरफ से एक नया अपडेट आया। अगर आपने अपने YouTube चैनल पे ये तीन गलतियां करी हैं तो YouTube चैनल आपके चैनल को डिलीट कर देगा। हम सब जानते हैं वहाँ पर किसी का जोर नहीं चलता है। हम चाहे कितने से बड़े क्रिएटर को अपने साथ लेकर अपना चैनल वापस करने की कोशिश करें, अगर हमारा चैनल एक बार डिलीट हो जाता है तो फिर वो वापस नहीं आता। YouTube अपने चैनल को लेकर बहुत सख्त है और YouTube जो करता है कहता है वो कर रहता है। ये कौन सी गलतियाँ हैं जिसके कारण YouTube आपके चैनल को डिलीट करने के लिए तैयार है? आप गलतियां कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि YouTube आपकी गलतियों को नोटिस में नहीं ले रहा है, तो ये गलतियां न सोचें और YouTube आपकी हर गलती को नोटिस करता है, वरना आपका चैनल रहेगा खतरे में और आप ये गलतियां करना बंद कर दीजिए। ये YouTube ने सख्त तौर पर बता दिया, अगर आप ये तीन गलतियां करें तो प्लीज इन तीन गलतियों को करना बंद कर दें। आपका चैनल रात ही रात डिलीट हो जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। चंद सेकंडों में YouTube आपके चैनल को हटा देगा। आप YouTube चैनल पर अच्छी तरह से अर्निंग करें तो आपको अपनी इन तीनों गलतियों पर सुधार लाना है। अपने चैनल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि YouTube पर बने रहें और इसी तरह YouTube पर डटे रहें, तो प्लीज अपने चैनल के साथ ये खिलवाड़ ना करें। तो कौन सी तीन चीजें जो आपको अपने चैनल में नहीं करनी है? YouTube ने सख्त तौर पर कह दिया है वो कौन सी तीन चीजें जिसके करने से आप भिड़बड़ाते रह जाएंगे, लोगों से मिन्नतें करेंगे तो भी कोई भी आपके चैनल को वापस नहीं ला पाएगा। पहला, किसी के में कमेंट ना करें। दूसरा, कम्युनिटी में किसी का लिंक ना दें। तीसरा, अपनी वीडियो को कभी पब्लिक करने के बाद प्राइवेट ना करें। फुल डिटेल से बताएंगे। अगर आपने हमारी वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज नीचे लाइक करें और कमेंट करें, और वीडियो पर नए आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलती हम आपको बताते हैं वो तीन गलतियां कौन सी हैं। वो कौन सी तीन गलतियां हैं जो आपको अपने चैनल में नहीं करनी है, उसके बताने के बारे में हम आपको ले चलते हैं अपने चैनल में। सेकंड चीज दोस्तों, अगर आपने अपनी वीडियो अनलिस्टेड करी या प्राइवेट करी, इसका क्या मतलब है? अगर आपने कोई वीडियो डाली, वीडियो पर अच्छी व्यूज आए या नहीं भी आए, और आप या उसमें कैसी भी, और आपने वो पब्लिक करने के बाद प्राइवेट कर ली, तो YouTube समझता है कि आपने उसमें कुछ असलीपना फैलाने की कोशिश करी है। अगर आपको कुछ ऐसा लगा इसलिए आपने वीडियो को अनलिस्टेड कर दिया, इसलिए पब्लिक करने के बाद वीडियो को अनलिस्टेड ना करें या प्राइवेट ना करें, उससे आप YouTube आपकी कराम है वीडियो का गलत वो चाहता है, मतलब ऑप्शन। YouTube की तरफ से ये अपडेट आ चुका, सभी के पास ये अपडेट पहुंच चुका, सबको नोटिस हो चुका है। फिर मत कहना कि YouTube ने बताया नहीं और चैनल डिलीट कर दिया। जो लोग किसी की लाइक में जाकर या किसी के कमेंट में जाकर या किसी की वीडियो पर जाकर गलती कमेंट करते हैं, असली उनके चैनल रात ही रात डिलीट हो जाएंगे अगर किसी के पास गलत कमेंट करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये तीन चीज तो मैंने, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा चैनल आगे कैसे बढ़ेगा जब एक दूसरे को कमेंट नहीं करेंगे? तो हाँ, ये सच है, पर YouTube ने ये कहा है कि मतलब जो गलत लोग हैं, गलत कमेंट करते हैं, वो लोग कमेंट नहीं कर पाएंगे। जो असली कमेंट करते हैं, गंदे गंदे कमेंट करते हैं किसी के भी बारे में, तो इसलिए उन लोगों का चैनल डिलीट हो जाएगा जो क्या नाम है कमेंट करते हैं गलत गलत। जो तुच्छ बुद्धि वाले होते हैं, बददिमाग लोग जो दूसरे की वीडियो पर गलत कमेंट करते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए, उनका चैनल डिलीट होगा। हर किसी का नहीं होगा, जो अच्छे कमेंट करेगा उसका नहीं होगा, जो असली कमेंट करेगा उसका होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो लाने के लिए आप मुझको नीचे कमेंट कर सकते हैं। तीसरी गलती, आपको अपनी कम्युनिटी पे जाकर अपने पे किसी भी वीडियो का लिंक नहीं देना, किसी के भी बारे में जो आपकी कम्युनिटी लाइन होती है उस पर आगे कमेंट वगैरह करते हैं या कुछ भी, मतलब किसी के बारे में डालते हैं या लिंक देते हैं, तो उसको नहीं करना। अपने फोटो डालिए, कुछ भी लिखकर डालिए या कुछ भी दिखाइए पर, और किसी चीज का लिंक उसमें कम्युनिटी लाइन में ना डालें।